अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुशाहिद सर फ्रॉम एमडी अपडेट्स। और आज जो है मैं आपको जो एमडीए की करंट पोजीशन है, जो करंट प्राइसेस है, उसके बारे में बताऊंगा। और इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन हो रही है मुख्तलिफ सेक्टर्स में, जैसे बात की जाए सेक्टर 2 की है, वहां पे भी 2-3 घर हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन हो रही है। एक दो घरों की मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, तो उनका भी जो है काफ़ी काम हो गया है, तो उनके हवाले से भी अपडेट दूंगा। एक दो घर जो है वो सेल के लिए आए हुए हैं, और सेक्टर 11 में कुछ काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का एक फार्म हाउस बन रहा है 810 पे। तो इस तरह के हिसाब से मैं आपको एक अवेयरनेस देना चाह रहा हूँ कि आप अगर बजाय के किसी ऐसे प्रोजेक्ट में जहाँ पे आपको प्रॉपर्टी महंगी मिल रही हो, वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, आपको उतनी रिटर्न नहीं आ रही, तो एमडीए स्कीम जो है वो वाहिद स्कीम है। यहाँ पे आप बिल्कुल जो है चीप प्राइसेस पे अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप 400 गज पे या 800 गज पे अच्छा जो है वो फार्म हाउस या इस तरह अपने हिसाब से गेस्ट हाउस बना सकते हैं यहाँ पे रिहायश के हिसाब से। अब अगर मैं बात करूँ प्राइसेस की, तो कम से कम जो प्राइसेस है सेक्टर 2 की अगर बात की जाए, इस टाइम जो है वो 400 गज का रेट चल रहा है 35 लाख रुपए का, और 200 गज का चल रहा है इस टाइम रेट जो है 21 से 22 लाख रुपए का, और 100 गज का चल रहा है इस टाइम 13.5 लाख रुपए का। अगर बात की जाए इन प्राइसेस की, बिल्कुल जो शुरू के सेक्टर से नेशनल हाईवे के ऊपर ये सेक्टर है सेक्टर 2, और मेन गेट से बिल्कुल जो है ऊपर ही है। अगर बकाया जो सेक्टर्स हैं 25 सेक्टर है। अगर कम से कम रेट के हिसाब से बात की जाए बैक सेक्टर्स की, तो बैक सेक्टर्स में इस वक्त रेट चल रहा है सेक्टर 24-25 में, वहां पे आपको जो है इजीली 100 गज का रेट चल रहा है तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए का। और अगर बात की जाए 200 गज की, तो 4.5 लाख रुपए का, उसके बाद डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर, और 400 गज वहां पे आपको कम से कम जो है 9 लाख रुपए का मिल जाता है। ये चीजें मुझे आपको बताने का मतलब ये है कि एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट ना, जिसमें कोई डबलिंग है ना, जिसमें कोई इस तरह की कोई जमीन सीधी फीधी ना हो, इस टाइम यहाँ पे ऑन दी ग्राउंड जो है तकरीबन 8-9 सेक्टर्स जो है जिन पे 100% जो है डेवलपमेंट का काम हुआ है। आपके रोड रास्ते, एक बेहतरीन निज़ाम, एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरा स्कीम का बना हुआ है, बिल्कुल जमीन सीधी है, कोई आपने डेवलपमेंट चार्जेस नहीं पे करने। जो मैंने आपको प्राइसेस बताई है वो उसमें 100% जो है ऑल ड्यूज पेड है। आपने सिर्फ करना क्या है, वो प्लॉट परचेज करके कंस्ट्रक्शन करवानी है। जिस तरह से कुछ भाई जो है वो कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, काम करवा रहे हैं, तो उनको भी मैं जो है हौसला अफजाई है कि वो लोग आ रहे हैं, काम स्टार्ट कर रहे हैं। इस तरह से और भी जो लोग हैं जिनके प्लॉट्स हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप जो है वो आए आगे कंस्ट्रक्शन करें। और जिन लोगों ने ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो उनको भी मैं गुजारिश यही करूंगा कि आप भी यहाँ पे प्लॉट लेके अपना जो है घर बना सकते हैं। अगर सेक्टर 5 की बात की जाए, सेक्टर 5 भी एक बहुत बेहतरीन सेक्टर है, वो बिल्कुल आबादी के साथ है। उसमें आपको इस वक्त स्कूल है, एजुकेशन में कोई मसला नहीं है, हॉस्पिटल्स आपको जो है प्रोडक्ट में मिल जाती है। अगर इसी लोकेशन की बात की जाए, तो इस तरफ आप चले जाते हो, देखिए मैं हर बार ये इंडस्ट्री जोन, एजुकेशन सिटी, ये चीजें बता रहा होता हूँ। जिन लोगों को फ्यूचर के बारे में पता होता है, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। अगर आपको करंट में इस वक्त कुछ नहीं है, तो आप फ्यूचर में बहुत कुछ बना सकते हैं। अब कुछ लोग इस तरह भी हैं, कहीं ऐसे फ्रॉड्स में चले जाते हैं, प्राइवेट स्कीम्स में आप चले जाते हो, सुपर हाईवे की तरफ या इस तरफ। आजकल के हवाले से अगर बात की जाए, बड़ी सोशल मीडिया पे चल रही थी या इधर उधर BTK 2, Bella Town 2, ये वो फलाना ढंग का चल रहा था। तो इस वक्त की बात की जाए, अगर यहाँ पे आपको 100 गज 13 लाख रुपए का मिल रहा है, जहाँ पे आपको डेवलपमेंट हर चीज ओके है, सिर्फ आगे रिहायश करनी है, कंस्ट्रक्शन करनी है यहाँ पे आके, तो उधर की अगर बात की जाए 125 स्क्वायर यार्ड का, वहां पे आपको मिल रहा है 45 लाख रुपए का, जिसमें आपने 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट करनी है। वो अभी से ही जो है माइनस चल रहा है, और अगर यहाँ से वो इसका डिस्टेंस किया जाए, तो वो कराची में आता ही नहीं है, पहली बात यह है। दूसरी बात यह है आपको कि ये जो प्रॉपर्टी है वो कराची में आती है। ऐसा प्रोजेक्ट मेरे हिसाब से अगर बात की जाए, टेस्ट टाउन की स्कीम 45, वहां पे अगर काफी सेक्टर्स हैं जिनमें कब्जा हो गया, कुछ इस तरह की चीजें हो गई, इस टाइम वहां पे भी रेट जो है 25-30% डाउन चल रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर यहाँ की बात की जाए, तो यहाँ पे आप इतना फर्क नहीं आता रेटों में। अगर दूसरी जगह पे आप इन्वेस्ट करते हैं, जिन लोगों ने बहरिया में इन्वेस्ट किया था, वो 5-5 लाख, 10-10 लाख, 8-8 लाख नुकसान में चल रहे हैं। अगर यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, इनकेस कोई सिचुएशन इस तरह के हालात आते थे, जिस तरह की आजकल की इकोनॉमिकल कंडीशन चल रही है, लोग जो है मिडिल क्लास हैं, वो परचेज नहीं कर सकते चीज़ें, जो है प्लॉट वगैरह खरीद नहीं सकते, वो अपना अगर रेंट पर रह रहे हैं, तो उनके लिए बहुत एक बेहतरीन मशवरा है। आपको फ्यूचर में इसमें जो है बहुत बड़ी चीज़ें होने वाली हैं। यहाँ पे आपको हम इस सेक्टर 2 में पानी भी लेकर आ रहे हैं, बिजली का भी जो है इंतजाम कर रहे हैं, तो
एजुकेशन सिटी के हवाले से बात की जाए वहां पे आपको कोई सोसाइटी नहीं मिलेगी, वहां पे 13,500 एकड़ यूनिवर्सिटीज के लिए प्रॉपर्टी बुक है, आपको वहां पे 22 से 25 यूनिवर्सिटियां बनेगी। इस टाइम 4-5 यूनिवर्सिटियां रनिंग में चल रही हैं, आप गूगल मैप पे देख सकते हैं। इस तरफ इंडस्ट्री जोन की बात की जाए, अब लिंक रोड को ये डबल बनाया गया इसीलिए कि आपको जो है सुपर हाईवे के लिए इजीली आप जा सकते हैं। और उसके बाद जो मलिर एक्सप्रेस वे बन रहा है, यहाँ से आपको 15 मिनट की ड्राइव पे आप DHA में होंगे, डिफेंस में होंगे। तो इस तरह की अगर बात की जाए, इस तरह का आगे जो काम होगा फ्यूचर में, तो जाहिर सी बात है ये गवर्नमेंट की स्कीम है, इसमें आगे जो है बहुत सी चेंजेस आनी है, बहुत से रेट्स बढ़ने हैं, फ्यूचर जो है इसमें हमें एक नजर आ रहा है। अतीत की बात की जाए, बहुत सी और प्राइवेट स्कीम्स जो है नेशनल हाईवे के ऊपर बन रही हैं, तो उनके रेट्स 45 लाख 50 लाख, ये अगर डाउन पेमेंट अगर आप ऑन दी कैश पेमेंट करते हैं तो आपको 35 लाख रुपए का 120 गज या 100 गज का प्लॉट मिलता है। यहाँ पे तो आपको कोई डेवलपमेंट चार्जेस, कोई ड्यूज नहीं भरने, आपको सिर्फ सिर्फ जो है 13-13.5 लाख रुपए का 100 गज मिल रहा है आवास सेक्टर्स में। तो आए आप यहाँ पे आके विजिट करें और एक अपना घर बनाएं पूरा जो है इसमें। अगर एंट्रेंसेस की बात की जाए तो एंट्रेंसेस इसमें 2 जो है नेशनल हाईवे के ऊपर बने हुए, 150 फीट रोड जो है बिल्कुल मेन, उनमें सर्विस रोड भी प्रोवाइड किया गया है। हर जगह पे जो है हर सेक्टर में कमर्शियल्स, पार्क्स, प्लेग्राउंड्स दिए गए हैं, स्कूल के हवाले से जगह दी गई है। अगर बात की जाए इस तरफ से हवाले से लिंक रोड के ऊपर जो है इसकी 2 एंट्रेंसेस, सेक्टर 17 से सेक्टर 11 से। सेक्टर 11 इस वक्त माशाल्लाह जो है अच्छा चल रहा है, उसमें फार्म हाउस वगैरह कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी हो रही है, प्राइसेस भी उसकी जो है वो स्टेबल है, वो भी बहुत बेहतरीन है। जो लोग अगर इजीली यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं, यहाँ ये देखें ये स्कीम कोई अफोर्ड करने या ना करने के हिसाब से नहीं है, यहाँ पे आम बंदा अगर वहाँ आप हदीर में ले रहे हो या कहीं और पे 1.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इधर आप इसमें 4 से 5 प्लॉट लेके आप कंस्ट्रक्शन भी करवा सकते हैं उन प्लॉट्स पे 1-1.5 करोड़ रुपए में। तो यहाँ पे आए आगे विजिट करें, मैं आपको कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी थोड़ी बहुत जो है वहाँ पे दूंगा ऑन दी फिजिकली चलकर। और जो मेरी गुजारिश होती है आपको हर किसी को कि आप मेरे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, तो आगे चल के आपको जो है वो कंस्ट्रक्शन के हवाले से दिखाते हैं।